गोवर्धन मथुरा मार्ग के गड्ढों को भरने में जुटे समाजसेवी और दिव्यांग। गोवर्धन मथुरा मार्ग की जर्जर हालत से परेशान क्षेत्रवासियों ने कई बार प्रशासन को मार्ग को दुरुस्त कराने का निवेदन किया है, कई बार ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन अपनी परेशानी और मजबूरियों का हवाला देकर कई सालों से गोवर्धन मथुरा मार्ग के निर्माण को टालता चला आ रहा है। रुड़की जर्जर हालत के कारण कई बार इस पर हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन के वादे जब खोखले नजर आने लगे हैं तो क्षेत्र के लोगों ने ही अलग तरीके की मुहिम छेड़ दी है। लोग अब खुद ही फावड़े और परात लेकर रोड के आसपास की मिट्टी को उठाकर रोड के गड्ढों में डाल रहे हैं और गड्ढों की मरम्मत कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम में तमाम समाजसेवी, यहाँ की दिव्यांग भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम हाथ पैर से लाचार जरूर हैं, लेकिन दिमाग से नहीं। हमने खुद ही इन गड्ढों को भरने का फैसला लिया है। उनकी इस मुहिम की सराहना बाहर से आने वाले तमाम श्रद्धालु भी कर रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन इनकी मुहिम से सीख लेकर कब गोवर्धन मथुरा मार्ग की सुध लेता है। गोवर्धन मार्ग दिन पर दिन उखड़ता जा रहा था और पिछले करीबन 4-5 साल से इसकी जो हालत है वो दयनीय होती चली जा रही है। तमाम राजनेता, तमाम जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के, हमारे राज्य के, अदर और अदर स्टेट्स के तमाम जनप्रतिनिधि वो यहाँ के निकलते हैं, गोवर्धन आते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है गोवर्धन और मथुरा गोवर्धन ये मुख्य मार्ग है। इस मार्ग की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय और बहुत ही शोचनीय है और हम लोगों ने ये मुहिम की शुरू की। इसमें जितने भी गड्ढे हैं अधिकारी नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है। शासन को फाइल भेज रखी है, सभी का यही कहना होता है हमेशा। हम लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर और अब स्वयं सेवक की तैयारी हमने शुरू कर दी है और अपने अपने ही लेवल पे हमारे तमाम साथी और इन गड्ढों को भरने में लगे हुए हैं। सड़क के किनारे से हम लोग मिट्टी खोदते हैं, गिट्टी वाला मिट्टी, कंकड़ पत्थर जो हैं सड़क के किनारे उनको लेते हैं और इन सब गड्ढों में डाल रहे हैं। आज हमने करीबन 3 घंटे में 300 मीटर करीबन हमने गड्ढों को श्रमदान किया है और हमारे क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो इस गड्ढे वाले मार्ग से होकर निकलते हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात, हम लोगों ने उनको वोट देकर खड़ा किया, उनको जिता दिया, ऊपर भेजा, इसलिए भेजा कि इस तरह का विकास हमारे यहाँ क्षेत्र में होगा। ये अब हम ये चाहते हैं कि जनता ये चाहती है कि जिनके चुने हुए जनप्रतिनिधि जो यहाँ गए हुए हैं वो अच्छे रोड पे चलें। हम सब लोग श्रमदान करेंगे। पहली बार आए या इससे पहले भी आ रहे थे? तो आपने देखा होगा कि गोवर्धन मथुरा मार्ग पे जगह जगह गड्ढे हैं और जिन गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। आपका खुद का अनुभव कैसा रहा इन गड्ढों को लेकर? रोड इतने टूटे हुए हैं, इन पे गाड़ी चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है और अगर प्रशासन इनको नहीं होगा तो आइन आने वाले टाइम में ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होगी। आज आप प्रशासन से यही कहेंगे इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी ठीक करें, ज्यादा बेटर हो। आज आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ लोग, स्थानीय लोग यहाँ गड्ढों को भरने में लग रहे हैं, प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम स्वतः ही इन गड्ढों को भरें। उनकी इस पहल को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी पहल है, होनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को पता चले। अब तुम काम नहीं करोगे तो पब्लिक अपने आप काम कर लेगी। थैंक यू। ओके, क्या नाम है? मेरा नाम मानविन सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं जसौला का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो आप ये रोडों को गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं तो ये कैसे आपके मन में ये विचार आया? देखिए सर, मैं जब इस रोड को देखता हूँ तो ये गड्ढे देखता हूँ तो इसमें 3 बार तो मैं ही गिर चुका हूँ इन गड्ढों में, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें अपने सभी साथियों को मिलकर के इन गड्ढों को भरा जाए, क्योंकि हमारी सरकार तो विकलांग हो चुकी है लेकिन मैं शरीर से विकलांग हूँ, अपने दिमाग से विकलांग नहीं हूँ। मैंने अपने सभी साथियों को बुलाया और उनके लिए बोला कि भाई ऐसा करना है, तो मेरे सभी साथी राजी हो गए और आज उन्होंने बोला कि हम 11 बजे आज से हम गड्ढे भरेंगे, क्योंकि सरकार तो हमारी ये काम करने से रही, तो इसलिए मैंने सभी साथियों से बोला तो इसलिए हम ये गड्ढे भरने के लिए यहाँ आ गए। तो कब तक ये गड्ढे भरने का कार्य? जब तक हमारी सरकार ये नहीं सुनेगी तब तक हम ये गड्ढे भरते रहेंगे और मैं चाहूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाएं, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग इस रोड से प्रतिदिन आते जाते रहते हैं और मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन कोई ना कोई इस गड्ढे में गिरता ही रहता है और डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है इस रोड पर।